मैंने आप लोगों को बताया था कि सोलाना में लोग पैसे कब इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि BTC में सबसे पहले आती है, उसके बाद आल्टकॉइन में आती है इन्वेस्टमेंट। तो BTC को देखा आपने लास्ट अगर वन मंथ में से आप देख रहे हैं, सोलाना की प्राइस जो है वो यूफोरिया में पहुंच गई है ग्रीड से। ये देखिए 69% है, 70% है, यहाँ तक प्राइस ऊपर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को बताया था सोलाना की प्राइस ऊपर जाने वाली है। $97 पे था जब मैंने आपको बताया, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हैं जब मैंने कहा था सोलाना गॉन क्रेजी और सोलाना 1000 तक जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग एक और बात सुन लो कि अगर आप लोगों ने पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, सोलाना में पैसा बनाना चाहते हो, डे ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें आपने जेहन में रख लेनी है कि सोलाना की डिप भी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सोलाना में यूफोरिया स्टेट पैदा होने के चांसेस हैं। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी स्पेकुलेशन है जो मैं देख रहा हूँ, मार्केट ट्रेंड देख रहा हूँ, उसके बिहाफ के ऊपर सोलाना जो है ना रफली ऑन अराउंड लाइक 400 to 500 विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स करने वाला है। ठीक है, फरवरी मार्च में 500 तक रफली हो जाएगा। और देखें, आप लोगों ने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और जंप करते हुए मार्केट में कुछ चीज़ें सोचनी है जो मैंने आपको कोर्स में बार बार बताई हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि सोलाना में लोग पैसे कब इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी शार्क्स या स्मार्ट लोग जो है ना सोलाना में कब आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि BTC में सबसे पहले आती है, उसके बाद आल्टकॉइन में आती है इन्वेस्टमेंट। तो BTC को देखा आपने लास्ट अगर वन मंथ में से आप देख रहे हैं, अगर आप लोग इस बारे में मेरे कोर्स के ऊपर कोर्स में से भी सीख लें या इसके ऊपर थोड़ा सा अमल कर लें, तो आप लोगों को साफ साफ ट्रेंड नज़र आएगा। ये देखें, आज से एक महीना पहले देख लें, ये देखें BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब देखें BTC के ऊपर इन्वेस्टमेंट आके सॉलिड हुई है, यहाँ पे डीप आने लग गया स्लोली स्लोली। मंथ 12 में देखें यहाँ पे BTC स्टेबल हो गया, टॉप से उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे उसको BTC को टॉप से रेजिस्टेंस मिल रही है। उसी दौरान जब टॉप से उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, तो क्या हो रहा है, जो क्लेवर मनी है वो वहाँ से निकल रही है। और जो क्लेवर मनी है वो कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे देखें 24 आवर वॉल्यूम BTC का कितना है, 22 बिलियन। ठीक है, क्लेवर मनी वहाँ से निकल रही है, और क्लेवर मनी यहाँ कहाँ रही है, आल्टकॉइन में आई है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरे कोर्स की लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था सबसे पहले अमाउंट आती है BTC में, BTC से फिर जो क्लेवर मनी आती है वो आती है आल्टकॉइन में आती है। अब आल्टकॉइन ने ऑब्वियसली ऊपर जाना, जैसे ही उसको मिला है रेजिस्टेंस बिटकॉइन का, वहाँ से अमाउंट निकल के किस में आ रही है, सोलाना में आ रही है। ये याद रखिएगा, सोलाना का डिप आएगा, सोलाना एक अमाउंट तक पुश करेगा। आप लोगों ने ये देखें, इसका 24 आवर वॉल्यूम 5.6 बिलियन हो गया, मार्केट कैप कितनी है 52 बिलियन, 5.6 बिलियन 24 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है 10.69% मार्केट वॉल्यूम का जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। इसका मतलब है लोगों का इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसकी ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, इसकी प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल ऑब्वियस सी बात है। अभी भी प्राइस इसके ऊपर जानी है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, सोलाना मैंने आप लोगों को बताया था, सोलाना ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, ये आप लोगों ने इसकी एनालिसिस करनी है, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स। जब आपने देखना है कि इस सोलाना की प्राइस जो है ना, सोलाना की प्राइस जो है वो यूफोरिया में पहुंच गई है ग्रीड से। ये देखिए 69% है, 70% है, यहाँ तक प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन जैसे ही इसने 80% क्रॉस करना है, जैसे ही इस इंडेक्स ने 80% क्रॉस करना है, आप लोगों ने क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि उसके बाद फ़ौरन डिप आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म में सोलाना क्या काम करेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर आप लोगों ने उसके डिप का फ़ायदा उठाना है, कि सोलाना की प्राइस की करेक्शन आएगी उससे आपने फ़ायदा उठाना है, तो आपने 80% जैसे ही होता है इसका इंडेक्स ग्रीड का, आप लोगों ने सेल कर देना, यूफोरिया स्टेट आ जाएगी। ओके, सोलाना ग्रीड एंड फेयर इंडेक्स इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये अफेक्ट कर रहा है सारे आल्टकॉइन के ऊपर सोलाना। मैंने आप लोगों को कहा था सबसे पहले ऊपर टॉप पे क्या आते हैं, BTC आता है, BTC के बाद आल्टकॉइन में आते हैं, और आल्टकॉइन में मैंने आपको सोलाना बताया था कि सोलाना के अंदर इन्वेस्ट करो, मनी है सोलाना में। लेकिन सोलाना में अगर कुछ लोग ये मुझे कहेंगे कि सोलाना में जो है ना 100 टाइम आप मनी कर लिया, 100 डबल हो गई है मनी, है ट्रिपल हो गई है, इसमें ना 100 टाइम्स नहीं हो सकती, 100% करेक्ट, सोलाना में मनी 100% 100 टाइम्स आपकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आपने 100 डॉलर डाले हैं, तो आप 10,000 सोलाना में नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से अगर आप जो है ना बिटकॉइन में अगर आपने 100 डाले हैं, तो आप उसको 1000 नहीं कर सकते, ये याद रखें। बिटकॉइन में अगर आपने 100 डाले हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हैं, डे ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टर हैं, तो आप उसमें 1000 नहीं कर सकते, 10 टाइम्स उसको नहीं कर सकते। इसी तरह सोलाना में 10 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन उसको 100 टाइम्स नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहता हूं, तो आप शिटकॉइन में जा सकते हैं, अदर आल्टकॉइन में जा सकते हैं, स्टार्टिंग में जा सकते हैं, लेकिन आपको हाईली केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे रिवॉर्ड रिस्क बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, उनके पास
इन्वेस्टमेंट है वो कहते हैं स्टेबल और सॉलिड हम जो है ना रिटर्न हासिल करें, तो सोलाना इज द प्रोजेक्ट वेयर यू कैन मेक सॉलिड एंड स्टेबल रिटर्न्स। लेकिन अभी देखें कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 123 पे गया हुआ है, 124 पे गया हुआ है सोलाना, तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके सोलाना में इन्वेस्ट करना स्टुपिडिटी है? नहीं, इस पर स्टुपिडिटी नहीं है। अगर आप इसको, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, 4-5 दिन का ट्रेंड आप देख लें और सोलाना ने ऊपर जाना है, मैंने बोला था 97 पे था और अभी आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुँच गया लास्ट 4-5 डेज में। आप इसको मजीद इसको जज करना चाहते हैं तो ये देखें, अभी इस टाइम 123 पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, ये देखें 123 पे आज खड़ा है, आज कहाँ से शुरू है 113 से। होपफुली इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, दो दिन इसको मॉनिटर करने के बाद जहाँ पे आपको प्राइस स्टेबल लगे वहाँ से आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। दोस्तों एटलीस्ट आप इसमें अमाउंट अपनी 5 टाइम्स जरूर कर सकते हैं, अभी भी चांसेस है 5 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आपने $1,000 डाला है तो विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इसमें जो है ना आप उसको 5,000 कर सकते हैं। लेकिन मतलब उसको 1,000 को 2-3,000 करना तो ईजी है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। तो दोस्तों आगे आपकी मर्जी है, मैंने पहले भी आप लोगों को वॉर्न किया था, बताया था इसके बारे में, अभी फिर बता रहा हूँ कि सोलाना इज़ अ प्रोजेक्ट, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये चलने वाला है, इसके ऊपर बहुत बड़ा इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है सोलाना के ऊपर। और सोलाना जो है ऐसा इकोसिस्टम है जो इथेरियम से बेटर है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सोलाना इथेरियम से बेटर है। अभी इसके ऊपर बहुत काम होना है, बहुत काम होना लाजमी है और हो भी रहा है, लेकिन सोलाना इज़ द फ्यूचर। डिप आएगा, डाउन होगी, क्रिप्टो करेंसी डाउन होती रहती है, ये आप लोगों को पता है, क्रिप्टो अप जाती है डाउन होती है, लेकिन सोलाना जो है ना अप डाउन होने के बावजूद भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ अनदर गुड इन्वेस्टमेंट अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इज़ द गॉडफादर, तो बिटकॉइन में ही आपने इवेंचुअली अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रखनी है, फ्यूचर में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन सोलाना इज़ नॉट अ बैड चॉइस। नंबर 4th पे आ गया, इसने जो है ना बाइनांस को क्रॉस कर लिया, बिग अचीवमेंट है उसकी सोलाना की। दोस्तों एक और क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो ये सोच रहे हैं जब उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है बाइनांस में तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैश आउट कैसे करेंगे। दोस्तों इस टाइम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सबसे कम फीस है कन्वर्जन की वो बाइनांस की ही है। अगर आप crypto.com पे हैं, किसी भी और एक्सचेंज के ऊपर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्सचेंज की फ़ी बहुत ज़्यादा है जब आप सेल आउट करते हैं, बाइनांस के ऊपर बहुत कम फीस है जो है ना एज़ कम्पेयर टू अदर। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कैश आउट करना है, आपको पता नहीं है कि बैंक में विड्रॉ कैसे करना है, तो आप वहाँ पे P2P चेक कर सकते हैं बाइनांस के ऊपर। आप अगर आप जाएंगे, ये प्रॉब्लम आपको फेस होगा, बाइनांस के ऊपर आप जाएंगे, बाइनांस P2P, यहाँ पे P2P में आप जो है ना सेल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं जहाँ पे बाइनांस का फॉर एग्जांपल फिएट गेटवे अवेलेबल नहीं है, तो या P2P आपको हेल्प करेगा, वहाँ से आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को बाय करने के लिए पेमेंट जो है ना बाइनांस में डालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे जिस कंट्री में जो है ना वो फिएट गेटवे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे P2P आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों आप P2P के ऊपर अपना अकाउंट बाइनांस के ऊपर बनाने के बाद लिस्ट कर सकते हैं अपने USDT, ठीक है, आपने कन्वर्ट कर दिया USDT में। सबसे पहले आपने किया क्या, बाइनांस के ऊपर अपने कॉइन सेंड किए, बाइनांस के ऊपर कॉइन सेंड करने के बाद उसको USDT में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद USDT में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे मार्केट प्लेस के ऊपर आके सेल कर सकते हैं, पेमेंट आपके अपने बैंक में डायरेक्टली आ सकती है अनदर बायर से, तो अनदर बायर को ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो P2P बहुत हेल्पफुल है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, आप वो वीडियो भी चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।